ये बड़ी सभी गाइस सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए अमेजिंग एपिसोड के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं कुछ खेलने नहीं वाला हूँ, बल्कि आप लोगों के साथ में एक पैक शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने खुद कस्टम बनाया है विद द हेल्प ऑफ DGA। उसके चैनल को जरूर चेकआउट करना, बहुत सारे टेक्सचर्स में उसने मेरी हेल्प की है, सेटअप करवाया है, तो उसको शाउट आउट देने तो बनता ही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसके चैनल का, अपना बोर्ड मेंबर ही है। फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो यार, और डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी बंदों को मिल चुका है तो फटाफट से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो यार। जिसने भी नहीं किया उनको ऑलरेडी एक दिन पहले ही जो है ये टेक्सचर पैक की लिंक मिल चुकी है, सबने ट्राई भी कर लिया है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, रिव्यूज़ मिल रहे हैं उसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ में आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी सारी कस्टम चीज़ें हैं। बहुत लोग इसमें ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये बॉन्ड का ही टेक्सचर पैक है। नहीं, ये बॉन्ड का टेक्सचर पैक नहीं है, बॉन्ड का खुद का अलग है एड ऑन पैक। ये जो है ये मेरा खुद का कस्टम टेक्सचर पैक है जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आप लोग देख सकते हो फिलहाल तो सेटिंग्स, और इसको एक्टिवेट कर देते हैं अपने, तो आप लोग देख सकते हैं असैसिन ट्विक्स वर्जन 1। अभी देखते हैं आगे वर्जन लेके आते हैं तो अपने लेके आएंगे। अ पैक विच मेक्स द गेम स्मूथ, काफ़ी हद तक स्मूथ बनाता है क्योंकि काफ़ी सारे टेक्स्चर सिंप्लीफाइड किए हैं। ब्लूइश एंड मेनली असैसिन स्टाइल, तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं अपने। मैं आपको एक वर्ल्ड में लेके जाके दिखाता हूँ। क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं डायरेक्टली एंड इसको इधर एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, गेम में जाते हैं, क्रिएटिव कर देते हैं, कंटिन्यू, लेट्स डू इट। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है जो कि देखो, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इसमें से काफ़ी सारे टेक्स्चर्स मुझे जो अलग अलग टेक्स्चर पैक्स में से पसंद आए थे ना, मैंने उनमें से कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सारे कस्टम टेक्स्चर्स हैं, बट बहुत सारे जो अलग अलग टेक्स्चर पैक्स हैं, फेमस टेक्स्चर पैक्स हैं, उन्हीं में से मैंने मेरी पसंद के अलग अलग चीज़ें ली है। तो सबसे पहले तो मतलब काफ़ी सारे इसमें पैक्स कम्बाइंड है, एक तो ट्रिवियल ट्विक्स कम्बाइंड है, वनीला ट्विक्स कम्बाइंड है, बहुत सारे बैटर ग्लास के टेक्सचर पैक का मैंने कुछ अंदर से लिया है, खुद का कुछ ग्लास के टेक्सचर खुद बनाए हैं, डायरेक्ट का अलग टेक्सचर है इसमें, और काफ़ी सारे अलग टेक्सचर पैक्स हैं। एक मेरा फेवरेट जावा का टेक्सचर पैक है जो कि है लेजेंड 27 रिवैम्प्ड, जो कि मैं बेडवर्स के वीडियो में यूज़ कर रहा था, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो उसके भी मैंने इसमें टूल्स और स्वॉर्ड्स डाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग शुरुआत में देख सकते हैं इन्वेंट्री में ये नंबर आ जाता है, ये विंडोज़ वालों के लिए अच्छा होता है क्योंकि उसमें शॉर्टकट कीज़ होती है ना, हम नंबर दबा के कर सकते हैं। मोबाइल वालों के लिए कुछ खास इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जितने भी है वो सब आउटलाइन वाले हो जाएंगे जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के सारे ओर्स दिखते हैं जो कि टोटली अच्छे लगते हैं, काफ़ी नेदर के ओर्स भी हैं इधर जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं इधर। आप लोग इधर देख ही सकते हैं, ये है हमारा डायोराइट। किसी को भी अगर डायोराइट पसंद था ना तो अब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये एक्चुअली में अब कबूतर की टट्टी जैसा लग रहा है भाई। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आप लोग पॉलिश्ड वर्जन भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये सारी चीज़ें हैं इसकी जो कि यार काफ़ी अब बोलो किसको पसंद है डायोराइट। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया, ये मैंने किया है चेंज। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये जो ग्रास है ये कनेक्टेड है वनीला ट्विक्स की, ये चीज़ है। बहुत सारी जो डर्ट है, डर्ट के अंदर आप लोग देख सकते होगे टेक्सचर आप लोगों को स्मूथ लग रहा होगा, तो इसके अंदर जो पेबल्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। काफ़ी सारे जो स्टोन्स हैं अलग अलग तरह के, अरे स्टोन्स डायरेक्टली लिख नहीं सकता, लाइक एंडोसाइट है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जो स्टोन्स हैं वो सिंप्लीफाइड हो गए हैं, उनके अंदर से जो है एक्स्ट्रा टेक्सचर्स निकाल दिए, जैसे डर्ट में पेबल्स थे, और इवन ये वाली जो डर्ट है कॉर्स डर्ट, उसमें भी जो आप लोग देख सकते हैं पेबल्स जो हैं निकल गए हैं। तो ये काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसके अलावा जो शील्ड और टोटम जो है, शील्ड आप लोग देख सकते हैं छोटी हो गई है, इवन टोटम भी जो है, मेरे को टोटम है ना एक्चुअली वनीला ट्विक्स का ज़्यादा बेटर लगता है, इस तरीके का छोटा टोटम अच्छा लगता है। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का हाथ में ऐसा लगता है, एंड जो राइट में आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पे पूरा आता नहीं है जो कि नॉर्मली होना चाहिए, बट होता नहीं है। और शील्ड काफ़ी अच्छी है, शील्ड मुझे ट्रिवियल पैक्स की अच्छी लगी है जो कि मैंने इसमें कंबाइन की है, जो कि आप लोग देख सकते हैं शील्ड दबाएंगे तो हल्की सी शील्ड आती है, वरना नहीं आएगी। ये बॉन्ड के पैक में भी है जो बहुत लोगों को पता होगा। इसके अलावा क्लियर वाटर है जो कि आप लोग देख सकते हैं, वाटर काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, बट जैसे ही इसके अंदर जाएंगे हम तो पानी अंदर से एकदम क्लीन लगेगा। ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ अच्छी लगी जो कि मुझे चाहिए थी, एंड पानी जितना गहरा होगा ना उसके हिसाब से कलर चेंज होगा, जो कि अगर मैं ओशन में आप लोगों को जाके दिखा सकूं
काफी जहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें होगी ना, जहाँ पे कुछ ऐसे कॉरल्स वगैरह हैं वो आपको ऊपर से दिखेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट लगेगा, और जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा होगा वहाँ पे जो है पानी का कलर चेंज होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कस्टम स्काई आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगा, मेरे को ये चाहिए था तो ये ऐड किया है मैंने। और इवन अगर अपने टाइम सेट कर देते हैं अगर डे पे शुरुआत में, तो आप लोग देख सकते हैं सन जो है काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन वाला है। जो भी पॉके एडिशन में ये लोग यूज़ करेंगे ना इस टेक्सचर पैक को, उनका शायद थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम हो जाए, क्योंकि यू नो मोबाइल के हिसाब से होगा, तो वो हो सकता है। और इसमें नाइट बहुत ही ओपी है, आप लोग देखो नाइट में मून क्या मस्त लगता है, एकदम HD वाला मून लगता है आप लोगों को दिखेगा, एंड सूरज उधर से नीचे जाता हुआ दिखेगा, इधर मस्त एकदम रात का मौसम हो जाता है। और 1.14 से लेके 1.16 कोई भी वर्जन में आप यूज़ कर सकते हो, पॉकेट एडिशन वाले, बेडरॉक वाले सब यूज़ कर सकते हैं, जावा के लिए अवेलेबल नहीं है ये पैक अभी। और देख सकते हो किस तरीके से रोशनी आती है, और मून का जो ये टेक्सचर है वो हर एक, मतलब जैसा कि मून होता ही है, ज़्यादा कम होता रहेगा, तो वो भी इसमें हैं, पूरे फेज हैं सारे के सारे, तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है, स्वॉर्ड्स दिखा दूँ तो ये देखो, ये है कुछ इसकी स्वॉर्ड्स, छोटी स्वॉर्ड्स हो गई हैं, जो कि बहुत लोगों को इसमें देखने में मज़ा आएगा। कुछ मेन चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखो इस तरीके का लगता है, कुछ इस तरीके का आता है, एंड टाइम सेट में डे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इसको अगर मैं एन्चांट कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं नेदरराइट का कितना मस्त दिखेगा, @allfireaspect, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मस्त लगता है एन्चांटिंग के साथ में, और काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सेम टूल्स हैं, टूल्स के साथ में भी सेम चीज़ हुई है, जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं, ये स्वॉर्ड्स हैं सारी की सारी, ये है एक्स सारी की सारी जो कि काफ़ी अच्छी है, ये सारी पिकैक्स हैं इस तरीके की दिखती है, एंड शवल और हो जो कि अभी 1.16 में काफ़ी OP टूल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेन जो आप लोग शायद देखना चाहो तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा हो का भी दिखा देता हूँ टेक्स्चर, और हल्का सा एक एक्स का टेक्स्चर दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसे दिखती है ये, इस तरीके से दिखती है ये, ऐसे ऐसे करके, एंड यप मुझे ये टेक्स्चर्स काफ़ी पसंद थे। ये मेरा जावा का टेक्स्चर पैक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है हमने बेडरॉक में, DG ने किया है बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो यप। एंड खुद को जला के दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जो फायर है, फायर अभी पूरा इसे स्क्रीन कवर नहीं करेगा, हल्का हल्का सा स्क्रीन कवर करेगा। एंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ ये है जो कि आप लोग देख सकते हैं ग्लास, तो नॉर्मल ग्लास ऐसा दिखता है, ये ग्लास का टेक्सचर मैंने कस्टम क्रिएट किया क्योंकि इस तरीके का मुझे कोई मिल नहीं रहा था, और बाकी आप थोड़े जो दो चार लोग देखना चाहे उस तरीके का टेक्सचर मैं दिखा देता हूँ। तो ग्लास कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये नॉर्मल ग्लास है जो कि बहुत लोगों को इसमें फ़र्क नहीं दिखेगा, बट सिर्फ इतना ही होना चाहिए यार, ऐसा कितना मस्त लगता है। सोचो आप अगर मैं इसको कंबाइन करता हूँ वाइट कॉन्क्रीट के साथ में, तो ये देखो कितना मतलब अच्छा ये मॉडर्न लुक लेके आ सकता है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा टू बी ऑनेस्ट। और इसके पीछे भी अगर मैं कुछ इस तरीके का ऐसे वॉल्स ऐड कर दूँ तो आपको डिफरेंस पता चले, तो ये कुछ मॉडर्न बिल्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा इस तरीके का ग्लास जो कि आप लोग दे सकते हैं। बाकी जिनको ग्लास ना पसंद हो किसी अलग कलर का यूज़ कर लो, जो कि बहुत ओपी लगता है, आप लोग दे सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से ग्लास वाली चीज़ बहुत लोगों को पसंद आएगी। इसके अलावा जो हमारा रेडस्टोन रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आप लोग देख सकते हैं रेडस्टोन एकदम क्लीन वाला है, जो कि लोगों को चाहिए होता है, काफ़ी रेडस्टोन वाले बंदे होते हैं। तो और इसका आप लोग देख सकते हैं ऑन ऑफ का अच्छे से दिखेगा, सब पता चलेगा, एंड कितनी रेडस्टोन की लेंथ है वो भी इसमें क्लीन है एकदम, सब पता चलता है उससे। एंड ये सारी टोटल चीज़ें हैं, एंड पिस्टन का थोड़ा कस्टम टेक्स्चर है जो कि साइड से कौन सी साइड से पता चले लोगों को, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। तो ये थोड़ा कस्टम चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे पैक्स में मिल जाते हैं, बट एक ही पैक में सब कुछ नहीं होता है, और इसलिए मेरे को जो जो पसंद था मैंने ऐड किया है। और अगर आप लोगों को भी सेम चीज़ें पसंद है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही एक चॉइस होती है, बाकी खुद कस्टमाइज़ करना चाहे तो पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा बेसिक चीज़ जैसे कि पम्पकिन हेड है, पम्पकिन हेड का जो अभी आप लोग देख सकते हैं पम्पकिन हेड लगाने के बावजूद भी जो पूरा व्यू है वो एकदम क्लियर है ये। सो गाइज मैं ये उस वाले वीडियो के थोड़ा सा बाद अलग से छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पम्पकिन हेड में थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि आप लोगों को भी शायद लगा होगा कि एकदम साफ तो यू नो बहुत ऐसे चीटिंग जैसा सा लग रहा था, तो मैंने उसको एक्चुअली इस तरीके के टेक्सचर में अब चेंज कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा हल्का सा
ब्लैकनेस ला देता है जो कि एंड में या फिर नाइट टाइम में थोड़ी सी शायद हल्की सी प्रॉब्लम दे, बट यू नो इतने से किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यू नो एक पम्पकिन हेड का एक तरीके से इफेक्ट भी इसके अंदर आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। 40% जो है सिर्फ ओपेसिटी है इस ब्लैकनेस की, बाकी यप मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है। तो ये छोटा सा चेंज है, नाउ यू कैन कंटिन्यू। एंड अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ जो कि है पम्पकिन और मेलन के स्टेम की, तो वो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हो क्या नहीं। अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ तो एक ये है और एक ये है, दोनों की स्टेम आप लोग दे सकते हैं, अलग कलर की हो गई है। तो ये बेसिक चीज़ है, एंड दोनों की स्टेम मतलब अलग अलग हो गई है, मेलन और पम्पकिन की, जो कि नॉर्मल वाले में पता नहीं चलता है किसका क्या है, तो वो अभी पता चलेगा। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं जैसे कि एक है डबल टॉल ग्रास जो कि टॉल तो बिल्कुल नहीं लगती है टेक्सचर्स में, बट इट्स टोटली ओके, और एक है नॉर्मल ग्रास। इसमें भले ग्रास जो है टॉल ग्रास से छोटी दिख रही हो बट टेक्सचर्स पे मत जाना, आप लोग देख सकते हो ये तो एकदम छोटी छोटी ऐसी लगेगी, ये देखो, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि कितनी हाइट है इसकी अगर आप लोगों को अंदर घुस के मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके की हाइट है इसकी, सिर्फ इतनी सी हाइट है। और जो टॉल वाली ग्रास है वो यू नो एकदम ऊपर तक चढ़ जाती है, तो कभी कभार क्रीपर्स वगैरह या कुछ अंदर से प्लेट्स वगैरह हैं वो दिखते नहीं है, तो अभी आपको दिखेंगे इस वाले टेक्सचर में थोड़ी छोटी छोटे प्लांट्स की हाइट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिवियल पैक्स की ही एक चीज़ है जो कि है ट्रैप डोर्स वगैरह, ये इस तरीके के क्लियर ट्रैप डोर जिसके अंदर से अपने देख सकते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। और एक है डोर्स, डोर्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, डोर्स के अंदर से आप लोग देख सकते हो कुछ स्पेशल डोर्स दिखा देता हूँ। तो ये कुछ डोर्स हैं इसके जो कि ऐसे अब अंदर से आप देख सकते हो पूरा ग्लास तरीके का है अच्छे से, एंड सेम विद ट्रैप डोर्स, इसके अंदर से आप लोग देख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो सारी चीज़ें, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बहुत लोगों को यू नो डिस्पेंसर है, ड्रॉपर्स है, पोर्टल है, नेदर पोर्टल, माइनकार्ट्स हैं, एंडरमैन है, और पिस्टन की जितने भी साउंड्स हैं ना वो सब यू नो इसमें क्या है कि माइनक्राफ्ट के अंदर जावा के अंदर तो ऑप्शन होता है एक एक ब्लॉक्स की या फिर किसी चीज़ की ऑडियो कम कर दें, बट माइंड अपने ये इसमें बेडरॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल एक ही बटन होता है जो कि या तो सारी आवाज़ कम करेगा या सारी आवाज़ ज़्यादा करेगा। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो कि मैंने अभी बोली, डिस्पेंसर, ड्रॉपर, माइनकार्ट्स, नेदर पोर्टल्स, एंडरमैन और पिस्टन्स, इन सब की जो साउंड है इसमें डिफ़ॉल्ट कम कर दी है 20% जितनी कर दी है, तो अभी नेदर पोर्टल जिसके भी घर के पास होगा उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो बाकी के नॉर्मल साउंड जो है उसको नॉर्मल रख सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो अलग पार्टिकल्स हैं जैसे स्लैश वेदर रेन कर देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट हैं ऑलमोस्ट पार्टिकल्स रेन के जो कि अभी तक बहुत वाइट वाइट से होते हैं, तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट टाइप से हो गए हैं, तो देख सकते हो ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं, ये काफ़ी अच्छा है। प्लस कस्टम स्काई तो आप देख ही सकते हो, ऐसे ब्लैक कलर का हो जाता है, सूरज मून जो भी है छुप जाएगा किसी भी टाइम हो कुछ भी टाइम हो, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी जो पोशंस के इफ़ेक्ट्स हैं उसके भी जो ट्रांसपेरेंसी है काफ़ी सही हो जाएगी। और वेदर मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि बो है या फिर जो आप लोग देख सकते हैं ये क्रॉस बो है, तो वो कितनी स्टेज पे होगा उसके हिसाब से इसका जो कलर चेंज होगा, आप लोग देख सकते हैं अभी क्रॉस बो पे नज़र रखना, ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइट होगा तो आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर में ऐसे इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऐसे ठोक सकते हैं अपने किसी को भी, तो ये लेवल के हिसाब से होगा। सेम विद बो, जितना ज़्यादा ऐसे खींच के रखेंगे उतना ज़्यादा उसका लेवल अपने को इंडिकेट करेगा, तो ये भी ट्रिवियल पैक्स की एक चीज़ है जो कि इसमें ऐड करी गई है। तो यप ये सारी चीज़ें हैं टोटल, और इसके अलावा दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि मोबाइल में जो भी इसको डाउनलोड करेंगे उनके लिए है, कि मोबाइल में आप लोगों को पता होगा क्विक क्राफ्ट अगर आप करते हो कुछ ऐसे बना के तो आप बना नहीं सकते हो फटाफट से, तो आप डबल टैप जब भी करोगे तो वो तुरंत फटाफट से वो क्विक क्राफ्ट हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि मोबाइल वालों को चाहिए होती है जो कि इस टेक्सचर पैक में है। इसके अलावा जो भी बंदे नॉर्मल मोबाइल में यू नो नॉर्मल में खेलते हैं, यानी ये जो क्रॉस बार वाला जो आता है इसमें नहीं खेलते हैं, जो टच करने वाला नॉर्मल होता है जिसमें वाइट कलर का सर्कल दिखता होगा जहाँ पे भी आप टच करते होगे, तो वो वाइट कलर का सर्कल अब नहीं दिखेगा, वो हट जाएगा, आप लोग अब ट्राई करके देख सकते हो इस टेक्सचर पैक के साथ में। तो टोटल ये सारी चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली पता है शुरुआत में जो है आप लोगों का अगर मेरे
जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑन करके दिखाऊं, गेम में शो कोऑर्डिनेट्स। तो जो पहले ना मैंने ऐसा हटा दिया था कि जो पीछे का जो ब्लैक कलर का है ना बॉक्स, वो हटा दिया था, बट बहुत सारे सर्वर्स हैं ना उनमें फिर बड़ा अजीब लगता है, चैट बड़ी अजीब लगती है। तो यह भी एक चीज़ है जो कि मैंने बाद में रिमूव कर दिया। एंड एडिशनली आप लोगों को अब बता ही रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ, गेमर सर्वाइवल में जो हार्ट्स थे ना, ये हार्ट्स के बदले मैंने मेरा फेवरेट इमोजी, आप लोगों को पता है, पीच जो बट वाला होता है ना, वो कर दिया था, बट वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। उस पर अपने दोबारा से काम करेंगे, अच्छे से वर्जन 2 लेके आएंगे। कुछ और चेंजेस हो जो आप लोग देखना चाहो तो मुझे बताना, ये सारे टोटल चेंजेस हैं, सजेस्ट करो और कुछ, और क्या आपको नहीं पसंद है अगर कुछ निकालना है तो भी बताओ। और ये अब जो पैक है ये मैं अब फाइनली बॉन्ड में यूज़ करना चालू कर दूंगा। बॉन्ड का खुद का भी एक पैक है ना, एड ऑन है, उसमें भी टेक्स्चर्स हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो उसमें वर्क नहीं करेगी, बट अपने देख लेंगे क्या वर्क करता है क्या नहीं, बट मैक्सिमम चीज़ें तो वर्क करनी चाहिए। जो बॉन्ड के खुद के पैक के अंदर जो टेक्स्चर्स होंगे ना, जैसे GUI वगैरह है, जैसे इन्वेंट्री में जो नंबर्स दिख रहे हैं, वो सब बॉन्ड में शायद से ना दिखें, क्योंकि उसमें खुद का वो GUI और बहुत सारे टेक्स्चर्स लगा रखे हैं। तो या ये सारी चीज़ें हैं, डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिप फाइल की भी और MC पैक की भी। MC पैक का तो बहुत आसान होता है, MC पैक अगर आप डाउनलोड करो तो MC पैक को क्लिक करना और ओपन विद माइनक्राफ्ट करना, वो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। जिसका MC पैक काम नहीं करता है ना, वो डायरेक्टली विंडोज 10 में तो क्या है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो रन सर्च करना होगा, रन दबाओ, उस पर एंटर दबाओ, उसमें % ऐप डेटा % करो, ये विंडोज़ के लिए है बाय द वे, तो उसमें ओके दबाना, उसमें ऐप डेटा में जाना, लोकल में जाना, वहाँ पे सर्च करना, Ctrl+F दबा के सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली राइट में क्लिक करके सर्च कर सकते हो, com.mojang एंड फिर एक फोल्डर आएगा com.mojang का, उसके अंदर जाना, वहाँ पे रिसोर्स पैक में जाना, और यहाँ पे जैसे मैंने असैसिन की ये जो डाल रखी ना ये मेरा है, तो अगर आपका MC पैक काम नहीं करता है तो zip फाइल डाउनलोड करना और उसको यहाँ पे डाल के एक्सट्रैक्ट कर देना, तो असैसिन का इस तरीके का फोल्डर बन जाएगा जिसमें सब कुछ है। तो ऐसे आप कर सकते हो, सेम चीज़ मोबाइल में करनी होगी, बस मोबाइल का मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता ना, तो इस तरीके के फोल्डर्स होंगे, आपको com.mojang ढूंढना होगा, फोल्डर आपके फ़ोन में ही होगा कहीं पे फाइल मैनेजर में, वहाँ पे रिसोर्स पैक का एक होगा फोल्डर, उसके अंदर सेम चीज़ आपको करनी है, फ़ोन में सेम चीज़ करनी है, ये मुझे पता है, बट होता कहाँ पे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पॉकेट एडिशन में बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो यप, एंड इसको कर देते अपने फुल स्क्रीन वंस अगेन। तो या ये सारी चीज़ थी, मैंने सोचा कि बॉन्ड के वीडियोज़ में डायरेक्टली यूज़ करना चालू करूँ, उससे पहले ही आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या इसमें चेंजेस हैं, कोई मांगे टेक्स्चर पैक तो उसके लिए ये वीडियो पहले से अवेलेबल हो और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो फालतू की। और बॉन्ड के वीडियो का जो भी इंतज़ार कर रहा है, कल वीडियो आने वाला है, आज इस टेक्स्चर पैक का वीडियो आएगा, ठीक है, तो बस फटाफट से लाइक कर देना, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई भी चैनल पर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या बाकी एक ग्लिच चल रहा है जो कि मैं बोल के थक गया हूँ, बट फिर भी एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आप कहीं सब्सक्राइब थे और अपने आप अनसब्सक्राइब हो गए हो तो फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहना। जल्दी 50 के होने वाले गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में, बॉन्ड के साथ में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।